you want some interesting videos? So why are you waiting for? Just subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update. नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? और आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जब भी आप किसी YouTube पर वीडियो को देखते हैं तो उसके अंदर सेव ऑफलाइन का जो ऑप्शन होता है वो डिसेबल होता है, किसी में आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाते हो, तो उसके पीछे पीछे क्या क्या रीजन होते हैं और क्या हम अपनी वीडियो के अंदर वो इनेबल कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, इस वीडियो में हम साफ साफ ये बात कर लेंगे। एंड साथ ही में हम मतलब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, सब बातें एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे सोर्सेस उठाए हैं जहाँ से मैंने वेरीफाई कर लिया है कि किनको मिलता है। तो बस यार, आप वीडियो के साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले एक बात बता देता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके 1000 से 1500 सब्सक्राइबर हैं और आप अपनी वीडियो के ऊपर से वो ऑफलाइन का बटन डिसेबल कर दें तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, बिकॉज ऐसा कोई तरीका नहीं है जो आपको पूरे यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। लेकिन वो कब मिलता है वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, बहुत ही ट्रस्टेड सोर्सेज पर से मैंने इसके जो क्वेश्चन है वो उठाए हैं। तो बस यार, वीडियो के साथ बने रहो, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले, तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन और मिलती रहे। बिकॉज ये जो है टॉपिक मेरे से किसी रणधीर कुमार पांडे नाम के एक पर्सन है, उन्होंने मेरे सजेस्ट किया था, बोले भैया कि हम यूट्यूब की वीडियो पे जो सेव ऑफलाइन का ऑप्शन है वो कैसे डिसेबल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मेरे को बहुत सारी वीडियो मिली है जिसके अंदर हमें अलग अलग बातों से मतलब भटकाया जा रहा है कि हम ऐसे कर सकते हैं, हम वैसे कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हम नॉर्मली इसको नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैंने इसके जो क्वेश्चन है इसके ऊपर क्वारी स्टार्ट की कि हम कैसे अपने वीडियो के ऊपर सेव ऑफलाइन का जो बटन है वो लगा सकते, डिसेबल कर सकते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले मैंने क्वारा जो एक वेबसाइट होती है उसके ऊपर क्वेरा के ऊपर जाकर मैंने चेक किया, तो सबसे पहला मेरे को ऑप्शन जो देखने को मिला है जिसके अंदर ये बताया गया है कि जब भी कोई कंपनी अपनी वीडियो पे सेव ऑफलाइन का बटन डिसेबल इसलिए करती है, क्यों करती है, उसका जवाब दे रहा हूँ, ताकि आप उस वीडियो को ऑफलाइन सेव ना कर सके और उसके ऊपर बार बार ऐड आए तो उसका रिवेन्यू उनको बार बार मिलता रहे। लेकिन अगर आप उसको ऑफलाइन सेव कर लेते हैं तो उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट नहीं आती है जिसकी वजह से उनका रिवेन्यू डिक्रीज हो जाता है। ये उनका पहला ऑप्शन था। लेकिन ये किनको मिलता है ये बात मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो देखिए, जब भी कोई बड़ी कंपनी होती है लाइक टी सीरीज या जी म्यूजिक कंपनी, इन कंपनियों को ही मिलता है। लेकिन उसके बाद भी एक ऑप्शन और है जो कि बहुत सॉलिड है, जो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तो जो बड़ी कंपनी होती है जैसे टी सीरीज या जी म्यूजिक कंपनी या और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके पास कॉन्टैक्ट होता है डायरेक्ट यूट्यूब से कॉन्टैक्ट करने का। तो ये डायरेक्ट यूट्यूब से कॉन्टैक्ट करके अपनी जो वीडियो है उसकी लिंक सेंड कर देते हैं यूट्यूब को और कह देते हैं कि हमें इस वीडियो के ऊपर स्पेशली मतलब जो सेव ऑफलाइन का फीचर है वो डिसेबल करवाना है, तो वहाँ से डिसेबल कर दिया जाता है। लेकिन जब मैंने इसको जो गूगल की जो क्वेरी होती है मतलब जो आपको जितने भी आपका हेल्प कौंसल होता है उसके अंदर आपको पता लगता है, तो मैंने उसके अंदर जाके चेक किया तो मेरे को ये बात पता लगी कि जिन्होंने यूट्यूब रेड को सब्सक्रिप्शन कर रखा है, जैसे कि मान के चलो मैंने यूट्यूब रेड को सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो मैं अपनी वीडियोज़ के ऊपर सेव ऑफलाइन का ऑप्शन होता है उसको डिसेबल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास यूट्यूब रेड का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं मिलता है, उसके अंदर ये बात साफ साफ बोली गई है। अब आपको अगर नहीं पता है कि YouTube Red क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप YouTube Red के अंदर अपग्रेड करते हो या परचेस करते हो तो आपको YouTube की तरफ से खुद के म्यूजिक मिलते हैं, एंड मतलब YouTube म्यूजिक जो होता है उसका आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। एंड साथ ही में इसी की तरह मतलब आपको कुछ और फीचर मिलते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल के अंदर जो बार बार हर वीडियो में ऐड आती हैं वो एड्स नहीं आएंगी, आप हर वीडियो को सेव भी कर पाओगे। ठीक है, एक होता है कि आप किसी वीडियो को सेव कब नहीं कर पाते, जब मान के चलो जैसे कि मेरी वीडियो के ऊपर सेव ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो फिर आप सोचोगे यार इसके तो 1000 सब्सक्राइबर है, 200 सब्सक्राइबर है, फिर मैं इसकी वीडियो को डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके अंदर ये होता है कि आपकी वीडियो जो आप देख रहे हो उस वीडियो को जिसके ऊपर सेव ऑफलाइन का फीचर नहीं आ रहा है उसको किसी और जगह से डाउनलोड किया जाता है, और जहाँ से डाउनलोड किया जाता है वो उसके ऊपर एड्स को बंद कर देता है। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। अगर आप मेरी बात को समझ गए हैं तो ये सर्च करना छोड़ दीजिए कि आप अपनी वीडियो के ऊपर सेव ऑफलाइन का बटन कैसे डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, एंड बाय बाय।